हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं सृष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए ये हमने 300 ग्राम कटहल को छीलकर इसके पीसेस कर लिए हैं। तो सबसे पहले कटहल को हम उबालेंगे। तो इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसके बाद इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर देते हैं। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। ये 1 सीटी आ गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म होने का वेट कर लेते हैं। तो जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होगा तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। तो ये मसाला तैयार है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे कटे हुए 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 7-8 लहसुन की कलियाँ। अब इसको पीस कर हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट तैयार है। अब कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कटहल सॉफ्ट हो गया है। अब इसको पानी में से निकाल लेंगे। तो ये हमने कटहल को पानी में से निकाल लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। तो गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें कटहल का पीसेस डाल देंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये कटहल फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 दालचीनी, 2 इलायची, 6-7 काली मिर्च, 2 तेजपात और 1 छोटी चम्मच जीरा। अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए 2 प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर वाला पेस्ट। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। अब ये भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सूखे मसाले। अब इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मसाला भून गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ कटहल के पीसेस डालेंगे। और साथ में डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 7 मिनट बाद ये सब्जी अच्छी तरीके से पक गया है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स कर देते हैं।
अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा कटहल की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।